हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी चल रहे हैं नवरात्रि, तो आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर, क्योंकि 9 दिनों तक हम जो है शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे। और हमारे यहाँ नवरात्रि के अवसर पर लगता है चेती मेला, तो अभी जो है सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। और सुनने में ये भी आ रहा है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं मेला भी लगना स्टार्ट हो गया है, पर मुझे नहीं लगता जहाँ तक कि मेला लगेगा और लोग मेले में जाएंगे ही। कोरोना की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा आज जो है अभी तो खाना बना रही हूँ, तो खाना बनाने के बाद जो है दोपहर के बाद मैं जाऊँगी जहाँ पर मेला लगता है, उस ग्राउंड में जाऊँगी देखने कि मेला लग रहा है कि नहीं। सब लोग क्या सही बोल रहे हैं कि हाँ मेला लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख के आती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेला लग रहा है कि नहीं, तो वीडियो में बने रहना। तो गाइस, हमारा दोपहर का खाना वाना निपट गया है और हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है, और अंशु भी ट्यूशन से आ गया है, तो अब मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन का है तो बिना प्रेस के पहना नहीं जाता, तो मैं प्रेस करके जल्दी से मैं रेडी होती हूँ। और फिर से आ गया गाइस, तो मम्मी मुझे छोड़ के ना जाए इसलिए मैं जल्दी आ गया। है तो कहाँ जाएगा फिर? हम जाएंगे मेले पे। ये वाले कपड़े दिखाऊं? हाँ सही है, चलो ठीक है, फिर जल्दी से रेडी हो जाओ। तो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं, तो मेले में जाके मिलते हैं। अच्छू ने मास्क पहन लिया है और मैं भी मास्क पहन लेती हूँ, वरना 200 का चला ही कट जाएगा। चलो अच्छू, काफी बड़ा लगता है। तो देखिए ग्राउंड कितना बड़ा है यहाँ का, ये सारा दुकान जो है बांस की लकड़ियों से बना रहे हैं ये। बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिला है, तो देखिए घोड़े ही घोड़े, तो यहाँ पे घोड़े का भी मेला लगता है। तो यहाँ जो है ये घोड़े को लाया गया है, ये जो है सेल होगा, तो काफ़ी सारे घोड़े हैं। मैं थोड़ा नज़दीक से जाके दिखाऊंगी। हाँ बेटा आ जाओ। बोलो अशोक। तो देखिए
डायनासोर। तो गाइज ये है नाव वाला झूला, ये भी काफ़ी बड़ा है, ये दो तीन साइज की होते तो मुझे लग रहा है ये फुल साइज का है, बहुत ही बड़ा है। है कार और उसके साइड में ये है डायनासोर वाला ट्रेन। तो काफ़ी वैरायटी के झूले आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही करके मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये छोटे छोटे एरोप्लेन से, एरोप्लेन से ये मिसाइल है पता नहीं, मम्मी उड़ने वाले हैं, उड़ने वाले नहीं है बेटा ये घूमने वाले हैं। कि ये भी एक तरीके का झूला है, मुझे इसका नाम नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये भी शायद घूमने वाला ही है, घूमता होगा ये। गाइस देखिए कितना बड़ा मौत का कुआ, ये आएंगे देखने भैया लोग जो है इसको जो है लगा रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको बांध रहे हैं, पूरा सेट किया जा रहा है, काफ़ी बड़ा है ये। ये शायद इसे खोल के लाते होंगे फिर लाके बाद में इसकी सेटिंग होती होगी। तो देखिए ये सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है एक एक लकड़ी करके लगाई होगी। तो हाँ एक एक लकड़ी करके ही लगा रहे हैं ये लोग। और गाइस अंशु की नजर है झूले पे, तो गाइस अंशु बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो मैंने भैया से पूछा कि मुझे भी बिठा लो, पर ये मना कर रहे हैं कि ये बच्चों का है, तो मेरा वेट इतना ज्यादा भी नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी हलवा पराठा घर के लिए मैं पैक करवा रही हूँ, घर जाके सब मिलके खाएंगे। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंशु ने मेले से क्या
है संशु ने लिया है फिरकी, तो एक लेने वाले थे हम लोग तो हमने दो ले लिया था क्योंकि इसका कलरफुल इतना अच्छा था। और ये देखिए मेरा फैन चल रहा है, सीलिंग फैन, तो देखना हवा में ये कैसे घूमेगा ऑटोमेटिक। वाह, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इतना सेल डाल रखा है, तो ये ऑटोमेटिक ही देखिए कितना बढ़िया घूम रहा है ये, बहुत ही अच्छा है ना, 10-10 रुपये में ये। और हम खाने के लिए लेके आए थे हलवा पराठा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हलवा पराठा। गाइस अभी हम खा रहे हैं हलवा पराठा और बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइस अभी हम जो है वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था, तो वीडियो का भी हम एंड करेंगे और जैसे पूरा प्रॉपर तरीके से मेला स्टार्ट हो जाएगा तो मैं वहाँ के भी ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। बाय एंड टेक केयर।